हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स में संतोष भदौरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है इंडेसेस एंड साइड्स, इस पे आज के वीडियो में क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉन्जुगेट। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग 3/2 + √3। देखो इसे सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, मैंने डिनोमिनेटर से सिंपलीफाई करना है डिनोमिनेटर को, तो इसके लिए कॉन्जुगेट अगर यह प्लस साइन है तो माइनस का करेंगे तो 2 + √3 है, यहां कर देंगे 2 - √3 2 - √3। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां क्या आएगा देखिए, 3 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में 3 × 2 = 6 और 3 √3 एंड यहां आ जाएगा a + b a - b हो जाएगा a² - b² ये a² - b² इसमें बन जाएगा 6 - √3/4 - 3। तो यहां जो बन गया 6 - √3/1 और फाइनल आंसर आ गया 6 - √3। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई है 3/2 + √3, ये आ गई। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, देखिए अब इसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन √3 - √3 - 1/√3 + 1। ध्यान रखना हमेशा डिनोमिनेटर को सिंपलीफाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर में देखिए क्या है अपने पास, दोबारा से लिख रहा हूं सेम क्वेश्चन, √3 + √3 - 1 है। अब यहां देखिए डिनोमिनेटर में प्लस है तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे √3 - 1। ये ध्यान रखना हमने न्यूमरेटर को नहीं देखा है, हमने कॉन्जुगेट लिया है, किसका कॉन्जुगेट लिया है डिनोमिनेटर का, तो ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा न्यूमरेटर में √3 - 1 होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में हमेशा क्या होगा a² - b² हमेशा यही फॉर्मूला बनेगा a + b * a - b, ये हो जाएगा a² - b². देखिए ये फॉर्मूला बन गया, तो ये बन जाएगा। अब यहां देखिए क्या होगा, इसमें a - b² लगेगा, ये हो जाएगा a² + b² - 2 √3/1 और डिनोमिनेटर में आएगा अपने पास रूट स्क्वायर करेंगे रूट कैंसिल 3 - 1, ये देखिए 2 बचा, न्यूमरेटर में 3 + 1 - √3। अब यहां पे क्या बन गया अपना 4 - √3/2, 2 कॉमन आएगा तो जाएगा 2 - √3/2, ये कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर आया 2 - √3 आ गया। ये किसकी वैल्यू आई है, ये आई है अपने पास √3 - 1/√3 + 1 की, ये इसका आंसर आ गया है। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड है 1 + √2/√5 + √3। अब हम रेशनलाइजिंग करेंगे इसका, तो पहले सेम क्वेश्चन दोबारा से नोट किया हमने, अब रेशनलाइजिंग करेंगे तो डिनोमिनेटर में प्लस है तो माइनस करेंगे, देखिए √5 - √3/√5 - √3, देखिए तो डिनोमिनेटर में तो हमेशा एक ही बनेगा a² - b², तो ये हो जाएगा √5² - √3² a² - b² हो गया। अब यहां न्यूमरेटर में बन का करेंगे तो √5 - √3 - + √10 - √6, देखिए तो ये आ गया अपना, तो यहां बनेगा हमारा 5 - 3, ये हो जाएगा देखिए √5 - √3 + √10
माइनस रूट सिक्स। अब आप देखिए यहां पर सारे डिफरेंट है, देखो रूट के अंदर फाइव है, थ्री है, रूट टेन है, सिक्स है, तो यहां कोई सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो ये ऐसे ही रहेगा, टर्म टर्म टू रहेगा, ये आगे पीछे लिख सकते हैं चाहे तो, वरना ऐसे ही लिखे रहने। देखिए तो ये हमारा आंसर, फाइनल आंसर यही माना जाएगा, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए अगर इसकी वैल्यू गिवन होती हमें तो हम इसको वैल्यू रख सकते थे, वरना हम इसी टाइप से रख दे, अगर वैल्यू आपको याद हो तो वैल्यू अपन लिख सकते हैं, देखो लिख दे वैल्यू रख देते हम, हमको ध्यान है इसलिए लिख रहे हैं, अगर आपको वहां क्वेश्चन में गिवन होगी ऐसी वैल्यू तो ठीक रहेगा। देखिए तो यहां कितना हो जाएगा, टू रूट टू पॉइंट टू हो गया, ये रूट फाइव का 2.2 शॉर्ट में लिखा हमने, रूट थ्री का 1.7, रूट टेन का 3.2, वन डिजिट तक लिख रहे हैं, ये 2.4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये सीधा सॉल्व करके हम लिख रहे हैं, तो आज 5.4 प्लस के आ गए, माइनस का 4.1 अपॉन टू, तो 1.3 अपॉन टू, तो ये आ गया 0.65 ये आ गया। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, तो फोर्थ क्वेश्चन है 2 अपॉन √7 + √5। देखिए तो यहां पे हम दोबारा से लिख देते हैं, √2 अपॉन √7 + √5, रेसलाइजिंग करेंगे तो प्लस है तो माइनस का मल्टीप्लाई, √7 - √5 upon √7 - √5। देखिए तो यहां पर क्या आएगा, ये ऐसी है टू, हमें मालूम है इसे मल्टीप्लाई करने में फायदा नहीं है, अभी आपको भी दिखेगा जब आप करेंगे तब, a² - b² तो a है √7² - √5² स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएंगे तो ये बचेगा 2 √7 - √5 upon 7 - 5, तो 2 √7 - √5 upon 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, √7 - √5। अब वही बात फिर बार आ रही है, अगर अपन को इसकी वैल्यू मालूम है तो हम वैल्यू लिख देंगे, क्या होती है इसकी 2.6 माइनस 2.2, तो ये क्या बचेगी 0.4 आ गया, आंसर आ गया 0.4, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन बेस्ड अपॉन a - b² and a + b² इसमें ध्यान रखना जो रूट वाला पार्ट है अगर प्लस है तो यहां a + b² बनेगा, क्या बनेगा a + b² कैसे बनेगा, a² + b² + 2ab, अगर थ्री टर्म्स इस टाइप से होंगे तो ये हो जाएगा a + b² अगर रूट वाला पार्ट है ना अगर नेगेटिव होगा तो a - b² बनेगा, तो देखो कैसे बनेगा इसको बताया आपके लिए, तो ये देखिए 2 अगर इसके फैक्टर करेंगे हम √6 के तो क्या आ जाएगा √3 × √2। अब इसके बाद 5 को लिख सकते हैं 3 + 2। अब इसे स्क्वायर फॉर्म में शो करने के लिए √2 दोनों लगा दीजिए आप, बस यही इसका एक फंडा है, देखो a² + b² + 2ab ये बन जाएगा a + b² तो a है √3 + b है √2, ये होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो क्या बचा √3 + √2, ये बचा है देखिए √3 + √2, तो ये हमारा देखिए आंसर आ गया। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन देखेंगे,
तो सेकंड है 12 रूट में 12 प्लस 140। तो अब आप यहां ध्यान देना, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसके फैक्टर करेंगे तो 140 के क्या क्या आएंगे देखिए, तो 140 के जब हम फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर बना के देखते हैं हम, 2 × 2 × 7 × 5 ये आएगा, तो 2 बार आ जाएगा, तो ये बचेगा 12 प्लस 2√35। अब 7 5 या 35 होता है, प्लस है तो होल स्क्वायर बनेगा या प्लस का बनेगा, तो ये हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा 2√7 × √5। ये 2a भी हो गया, a हो गया √7 और b हो गया √5। तो इसको 12 को 7 प्लस 5 तो √7 का स्क्वायर, ये 7 लिखा हुआ है, प्लस √5 का स्क्वायर ये 5 लिखा, ये प्लस करेंगे तो 12 ही लिखा है, लेकिन फॉर्मूला क्या बन गया ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन जाएगा a प्लस b होल स्क्वायर। ये देखिए तो बन गया ये √7 प्लस √5 होल स्क्वायर, रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो √7 प्लस √5 यही हमारा आंसर आएगा। देखिए तो अगर यह रूट वाला पार्ट नेगेटिव होगा तो a माइनस b होल स्क्वायर बनेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी आगे आएगा, तो देखिए तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड में है 8 − √60। सबसे पहले 60 के फैक्टर करेंगे हम, 60 के फैक्टर करने के बाद देखिए क्या होगा, तो 60 के फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 × 2 × 15, तो 2 बार आ जाएगा, √15 बचेगा। देखिए अब यहां a माइनस b होल स्क्वायर है तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab, तब ये बनेगा a माइनस b होल स्क्वायर। देखिए अब यहां देखो 15 के हो जाएंगे 5 × 3, तो यहां देखिए आप, तो माइनस के 2 × √5 × √3 हो गए। तो अब हम 8 को 5 + 3 लिख सकते हैं, तो 5 को लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया, तो a ये था ये b है, प्लस √3 का स्क्वायर। अब ये a माइनस b होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया हमारा, तो √5 होल स्क्वायर बनेगा। देखिए √5 − √3 होल स्क्वायर आ गया जी, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो गए तो बचेगा √5 − √3, यही हमारा आंसर आ गया। देख लीजिए तो आप देख रहे हैं कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं। फोर्थ नंबर देखेंगे अपन, फोर्थ नंबर में है 10 − √84, तो यहां माइनस वाला बनेगा, तो देखिए तो ये हो जाएगा 10 + √21 × 2 × 2 = 84 होगा, तो 21 7 × 3 होगा, तो 10 को लिख देंगे हम √7 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2√7 × √3। ये तो ये a माइनस b होल स्क्वायर बन रहा है यहां पर देखिए, तो √7 − √3 का होल स्क्वायर, तो ये आंसर आया √7 − √3। तो देखिए कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं।